वेलकम टू आवर चैनल। आज हम एक साउथ कोरियन सीरीज के बारे में बात करने वाले हैं। इसका नाम है नाइटमेयर टीचर, जो 2016 में रिलीज हुई। यह सीरीज हमें बताती है एक स्टूडेंट की कहानी, जो अच्छे ग्रेड्स पाने के लिए अपने मेमोरी के साथ खिलवाड़ करने के लिए राजी होता है और एक ऐसे टीचर की जाल में फंसता है जो उसका एग्जिस्टेंस ही खत्म करता है। क्या आप उस टीचर से मिलना चाहेंगे? तो चलिए, देर किस बात की। शुरुआत होती है जाय स्यू नाम के एक जूनियर स्टूडेंट से, जो योसन हाई स्कूल में पढ़ता था। वो आईने में देखकर बार बार अपने क्लोज फ्रेंड्स के नाम याद कर रहा था। उसमें कीटाई का नाम भी शामिल होता है, जो उसका बेस्ट फ्रेंड था। 2 हफ्ते पहले जाय स्यू वॉशरूम जाकर मिड टर्म क्वेश्चंस के आंसर्स कॉपी कर रहा था। तभी कीटाई उसे आवाज देकर बाहर बुलाता है, क्योंकि उनका पीरियड शुरू हो चुका था। जाय स्यू उसे जाने के लिए कहता है। क्लासरूम में जाने के बाद मिड टर्म टेस्ट शुरू होता है। जाय स्यू काफी नर्वस था, क्योंकि उसने नोट्स कॉपी करके अपने स्लीव्स में छुपाए थे। वो काफी टैलेंटेड था, क्योंकि उसे पता था कि कौन से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। कीटाई उसे हेल्प के लिए पूछता है, तो जाय स्यू उसे सारे सवाल बता देता है। कीटाई अपने डेस्क पर सारे नोट्स कॉपी करता है। तभी उनके टीचर मिस्टर हान क्वेश्चन पेपर लेकर आते हैं और उनके सीट्स बदल देते हैं, जिसकी वजह से कीटाई को काफी परेशानी होती है। फर्स्ट हाफ तक जाय स्यू को कोई टेंशन नहीं होती, क्योंकि उसके टीचर किताब पढ़ने में बिजी थे, इसीलिए वो इजीली कॉपी कर पाया। पर अचानक से उसकी चीट नीचे गिर जाती है और वो घबराता है। यह बात टीचर के समझ में आती है। फिर उसी वक्त कीटाई उन्हें डिस्ट्रैक्ट करते हुए वॉशरूम जाने की परमिशन पूछता है, और तभी जाय स्यू चीट उठाकर अपने मुंह में डालता है। यह बात टीचर नोटिस करते हैं, पर वो कुछ कहते नहीं और ना ही उसे क्लासरूम के बाहर निकालते हैं। उसके बाद हम मिलते हैं क्लासरूम की प्रेसिडेंट को, जिसका नाम था कैंग ईरिम। वो टीचर्स रूम में जाकर मिस्टर हान के डेस्क पर कुछ रखने जाती है और सबकी नज़रें चुराकर ड्रॉयर से स्टूडेंट काउंसिल बुक निकालकर सारे स्टूडेंट्स के मार्क्स चेक करती है। पर जाय स्यू के नाम के आगे बड़ा क्वेश्चन मार्क था, उसे समझ नहीं आया। तभी वहां मिस्टर हान आते हैं और वो हड़बड़ा कर ड्रॉयर में कुछ रखने का नाटक करती है। मिस्टर हान को उसका नाटक समझ आता है, पर वो कुछ कहते नहीं और कैंग ईरिम वहां से निकल जाती है। उसके बाद हम देखते हैं कि जाय स्यू और कीटाई बास्केटबॉल कोर्ट में खेल रहे थे। जाय स्यू अपने दोस्त को थैंक यू कहता है, क्योंकि उसने उसे पनिश होने से बचाया। तभी वहां पर मिस्टर हान आते हैं और जाय स्यू को काउंसिल रूम बुलाते हैं। वो काफी नर्वस होता है और चला जाता है। मिस्टर हान उससे पूछते हैं कि तुम्हारा आज का टेस्ट कैसा था। अच्छा ही होगा, क्योंकि तुम्हारे दोस्त ने तुम्हारी हेल्प जो की। जाय स्यू परेशान होता है, उसे समझ नहीं आता कि क्या कहे। अचानक से उसे खांसी होती है और उसके मुंह से वो चीट गिरती है। वो टीचर को बताता है कि मैंने इसमें से कुछ कॉपी नहीं किया। तभी मिस्टर हान उसे एक कार्बोनेटेड ड्रिंक देते हैं और जाय स्यू बिना सोचे उसे पी लेता है। मिस्टर हान उसे क्वेश्चन पेपर देकर कहते हैं कि यह सारे क्वेश्चन सॉल्व करो। अगर तुमने ऐसा किया तो साबित हो जाएगा कि तुम इनोसेंट हो। अगर ऐसा नहीं हुआ तो फिर बात प्रिंसिपल तक पहुंचेगी। जाय स्यू और नर्वस होता है। उसे धीरे धीरे सब ब्लर दिखाई देता है। और अचानक से 1 घंटे बाद हम जाय स्यू को लाइब्रेरी में देखते हैं। तभी वहां पर कीटाई आकर उसे पूछता है कि टीचर ने क्या कहा। जाय स्यू उसे कुछ नहीं बताता और स्टडी करने लगता है। उस वक्त वो काफी मोटिवेटेड फील कर रहा था। कीटाई सच जानने की कोशिश करता है, पर उसे कुछ पता नहीं चलता। सडनली जाय स्यू उठकर वॉशरूम जाकर उल्टी करता है। दूसरे दिन फिर से एक टेस्ट होता है। सारे बच्चे अपना पेपर लिखने में बिजी होते हैं। तभी टीचर ने नोटिस किया कि जाय स्यू शांत बैठा है। तभी वो हंसकर कहते हैं कि तुम्हें पेपर नहीं लिखना। तो वो बताता है कि मैंने पूरा पेपर लिख दिया है। उसका पेपर चेक करने के बाद टीचर शॉक्ड होते हैं। टेस्ट खत्म होने के बाद कीटाई आकर पूछता है कैसा था पेपर। जाय स्यू कहता है कि सब कुछ काफी आसान था। फिर वहां पर ईरिम आती है। वो कुछ कैलकुलेशन करने की कोशिश करती है। तब जाय स्यू उसे उसकी मिस्टेक बताता है और अचानक से उसे सब कुछ ब्लर दिखाई देता है। पर जैसे ही वो होश में आता है, वो सारे जवाब भूल जाता है। उसका यह बर्ताव सभी के लिए अजीब था। उसके तुरंत बाद जाय स्यू मिस्टर हान से मिलने जाता है और कहता है कि आपने कल जो सोडा दिया था वो मुझे दीजिए, उससे मेरी मेमोरी काफी स्ट्रांग हो गई थी। मिस्टर हान उसे कहते हैं कि हाँ, उस ड्रिंक से मेमोरी पर काफी अच्छा असर होता है। वो ड्रिंक देते हुए आगे कहते हैं कि देखो, यह ड्रिंक पीने के बाद तुम्हारे दिमाग से अनवांटेड अनफ्रूटफुल चीजें निकल कर नॉलेजेबल इन्फॉर्मेशन फिट होगी। मतलब दूसरी तरफ धीरे धीरे जाय स्यू के दिमाग से अच्छी मेमोरीज वैनिश हो सकती है, पर उसे कोई फर्क नहीं पड़ता जब तक उसे अच्छे ग्रेड्स मिलते रहेंगे। फिर मिस्टर हान अपने खून से उसका सर्टिफिकेट साइन करते हैं। पर जैसे ही खून की बूंदे सर्टिफिकेट पर गिरती है,
धीरे धीरे खून वैनिश होकर उनका नाम क्लियरली दिखने लगता है। दूसरे दिन हम देखते हैं कि जायसी स्कूल के वेंडिंग मशीन के सामने खड़ा होता है और मेमोरी सोडा की बॉटल निकालने की कोशिश करता है, पर मशीन नहीं खुलती। फिर अचानक से मशीन खुलती है, वो ड्रिंक लेता है और पीता है। उसे मिस्टर हान ने बताया था कि एक दिन में सिर्फ एक ही बॉटल पीनी है, उसके बाद जायसीयू अगले टेस्ट के लिए जाता है। कुछ मिनट्स में ही वो अपना पेपर खत्म करता है। सारे स्टूडेंट्स उसकी तरफ देखकर सरप्राइज होते हैं और उससे कुछ सीखने की कोशिश करते हैं, पर इन सब के बीच क्लास में हर बार फर्स्ट आने वाली इरीन को परेशानी होती है। दिन ब दिन जायसीयू को मेमोरी सोडा की आदत लग चुकी थी। वो सोडा पीता था और सारी किताबें याद करता था। अब उसे अच्छे ग्रेड्स मिलने में कोई दिक्कत नहीं होती थी। वो लाइब्रेरी जाकर कुछ मिनट में स्टडी खत्म करता था। धीरे धीरे उसने टेस्ट अच्छे से पास किए और अब वो बाकी स्टूडेंट्स को भी पढ़ा रहा था, उन्हें हेल्प कर रहा था। तभी उसका दोस्त कीटाय आकर उसे कहता है कि हम हमारा पुराना फेवरेट गेम खेलते हैं। पर जायसीयू को कुछ याद नहीं था, मेमोरी सोडा की वजह से वो सब कुछ भूलने लगा था। पर उसे उसमें भी कोई परेशानी नजर नहीं आती, क्योंकि उसे लगता है कि सोडा पीने के बाद उसे गेम भी याद आ जाएगा। वो फिर से मेमोरी सोडा लेने के लिए मशीन के पास जाता है और अपने उंगलियों पर लिखा हुआ मैसेज पढ़ता है कि एक दिन में सिर्फ एक बॉटल। उसे पता नहीं होता कि यह रूल क्यों रखा गया होगा, पर वो बॉटल लेकर पीता है। पर इवेंचुअली वो काफी चीजें भूलने लगता है, धीरे धीरे अपने क्लासमेट के नाम भी भूलने लगता है। क्लास में बैठने के बाद उसे लगता है कि वो गलत जगह आ गया है। वो फिर से मेमोरी बॉटल लेने जाता है, क्योंकि उसकी नज़र में अच्छे ग्रेड सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। फिर वो वॉशरूम जाकर अपना पॉकेट चेक करता है। उसमें दो चीट्स होती है, जिस पर लिखा था कि एग्जाम खत्म होने के बाद यह कॉन्ट्रैक्ट खत्म होगा, तो दूसरी चीट में लिखा था कि मिस्टर हान पर भरोसा मत करना, वो तुम्हें फंसा रहा है। फिर वो अपना हाथ देखता है तो उस पर जायसीयू को सर्वाइव करने के लिए जरूरी चीजें लिखी थी। जायसीयू मिस्टर हान से मिलने जाता है, पर वो उससे बातें करने के मूड में नहीं होते, पर इनडायरेक्टली उसे यह एहसास दिलाते हैं कि इस मेमोरी सोडा से तुम्हारा फायदा ही हो रहा है, तुम नॉलेज गेन कर रहे हो। फिर जायसीयू और कीटाय मिलकर बड़े दिनों के बाद बातें करते हैं। कीटाय उसे कहता है कि तुम स्मार्ट बनने के लिए गलत दवाएं ले रहे हो। जायसीयू कुछ नहीं कहता। तब कीटाय उससे उसके बेस्ट फ्रेंड का नाम पूछता है। जायसीयू कहता है कि मेरे बेस्ट फ्रेंड का नाम कीटाय है, और वो वहां से चला जाता है। पर कीटाय को उसका बर्ताव ठीक नहीं लगता। दूसरे दिन जायसीयू लाइब्रेरी जाता है और वहां कीटाय, कैंगी रीम और उनका एक क्लासमेट उस पर चुपके से नजर रखते हैं। कैंगी रीम का कहना था कि मिस्टर हान की पर्सनालिटी ठीक नहीं है, कुछ तो गड़बड़ जरूर है, उनकी वजह से जायसीयू भूलने लगा है। कीटाय को उसकी बातें झूठी लगती है, पर वो अपने दोस्त को लेकर काफी परेशान होता है। फिर जायसीयू उस मशीन के पास जाता है और यह सभी उसे फॉलो करते हैं। उन्होंने पहली बार वो मशीन देखी थी। जायसीयू ने ऑलरेडी एक बॉटल पी ली थी। वहां से चले जाने के बाद अचानक से जायसीयू की बैग गिरती है और बैग में से बहुत सारे मेमोरी सोडा के बॉटल्स गिरते हैं। वो एक दिन में कई सारे बॉटल्स खत्म करता था। ज्यादा से ज्यादा ड्रिंक लेने की वजह से सब कुछ भूल चुका था। उसे तो अपना नाम भी याद नहीं था। वो स्कूल के सामने खड़ा रहता था, पर उसे समझ नहीं आता था कि वो कहां और क्यों आया है। उसकी यह हालत देखकर मिस्टर हान उसे क्लासरूम ले जाते हैं, उसका नाम बताकर उसकी सीट दिखाकर बैठने के लिए कहते हैं। अब जायसीयू की मेमोरी पूरी तरह से खराब हो चुकी थी, वो काफी कंफ्यूज दिख रहा था। टेस्ट देने के बाद जायसीयू मिस्टर हान से मिलने काउंसलिंग रूम जाता है। मिस्टर हान पूछते हैं कि तुम यहाँ कैसे आए, तो वो बताता है कि मेरे हाथ पर मैंने सारी चीजें लिखी थी जिससे मुझे याद रहे कि मुझे कहाँ जाना है। वो आगे कहता है कि आप मुझे मेरी मेमोरी वापस आने के लिए मदद कीजिए। मिस्टर हान उसे कहते हैं, देखो कॉन्ट्रैक्ट के मुताबिक ऐसा नहीं हो सकता, तुम्हें इसके लिए थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा, और वो उसे एक और सोडा बॉटल देते हैं। जायसीयू कहता है, मुझे फिर से पुरानी यादें जीनी है, अपने दोस्तों के साथ वक्त बिताना है, पर वो उसे रुकने के लिए कहते हैं। ड्रिंक पीने के बाद हम फिर से वही पहला सीन देखते हैं, जहां पर जायसीयू आईने के सामने खड़ा होकर नाम याद कर रहा है। थोड़ी देर के बाद वो अपने दोस्त कीटाय के साथ बास्केटबॉल खेलता है। कीटाय उसे कहता है कि हम मूवी देखने चलते हैं, पर जायसीयू मना करता है। दरअसल सिर्फ एक घंटे के लिए वह नॉर्मल बिहेव करता है। दोस्त को गुड बाई कहकर वो सीधा मिस्टर हान से मिलने जाता है। लास्ट मोमेंट में हम देखते हैं कि मिस्टर हान जायसीयू को अपनी दुनिया में ले जाते हैं, जहां पर उसका कोई एग्जिस्टेंस नहीं होता। पता नहीं वहां पर उसके साथ क्या हुआ होगा। और यह था कहानी का एंड। क्या आपको ऐसा ड्रिंक चाहिए? मिस्टर हान के इस सोच और बर्ताव के बारे में आपका क्या कहना है? आपकी राय हमें बताएं कमेंट बॉक्स में लिखकर। वीडियो को शेयर और लाइक करें। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बाय।